हेलो फ्रेंड्स, मैं मंदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बैकनेक डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये मैन फैब्रिक है और ये अस्तर का कपड़ा है। इसमें गोल्डन कलर का मैं कॉन्ट्रास्ट कपड़ा यूज़ करूँगी। और देखिए, यहाँ पर जितना भी लेंथ आपको बैक पार्ट का तैयार रखना है, उसमें 1 इंच आपको मार्जिन का प्लस करके लेना है। तो मैं यहाँ पर 13.5 इंच लेंथ तैयार रखूँगी, उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके 14.5 इंच पर मैंने यहाँ पर एक मार्किंग कर ली है। और मैं यहाँ पर 34 साइज़ का बैक नेक कट कर रही हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग, डीप नेक के अकॉर्डिंग हमें शोल्डर रखने हैं यहाँ पर 5 इंच, आर्म होल्स लेने हैं 5.5 इंच, शोल्डर लिए हैं 5 इंच, आर्म होल्स लिए हैं 5.5 इंच डीप नेक के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर हमने इस तरीके से मार्किंग कर ली है। चेस्ट का 4th पार्ट हम यहाँ से लेंगे 8.5 इंच, 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन का। मार्जिन आप चाहें तो 2 इंच भी रख सकते हैं। और डीप नेक में हमें 1/2 इंच इस तरफ बाहर की तरफ करते हुए मार्क करना होता है। ये तिरछी लाइन हमने ड्रॉ कर ली है और यहीं से हम आर्म होल की गोलाई करेंगे। कमर का 4th पार्ट लिया है, 28 इंच कमर है, उसका 4th पार्ट होगा यहाँ पर 7 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन का और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा और लिया है जो बैक पार्ट में हम प्लीट्स लगाते हैं उसके लिए। अब हमने आर्म होल की गोलाई इस तरीके से यहाँ पर कर लेनी है और अब हम बैक पार्ट को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मार्किंग कंप्लीट कर ली है और कटिंग आपको इस तरीके से करनी है। ये देखिए, बैक पार्ट हमारा कटिंग हो चुका है। इसे हम मेन फैब्रिक पर रखकर भी कट कर लेंगे और बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन हम 2 कलर में यहाँ पर बनाएंगे। तो आप भी अपने साड़ी या ब्लाउज़ के बॉर्डर का जो भी कलर कॉम्बिनेशन होता है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक। और नेक की विड्थ रख रही हूँ मैं 2.25 इंच यहाँ पर। आप चाहें तो इसमें डोरी लगा सकते हैं, मैं विदाउट डोरी ही इसे बना रही हूँ। और यहाँ पर देखिए, आप अगर आप बैक पार्ट में डोरी भी लगा रहे हैं तो आपको मेज़रमेंट यही रखना है। और इस तरीके से हमने यहाँ पर नेक की लेंथ रखी है 9.5 इंच। अगर आप नेक की लेंथ और ज़्यादा रखना चाहें तो अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। तो यहाँ से आपको जो मेज़रमेंट लेना है, यहाँ पर देखिए आपका शोल्डर कितना आ रहा है नेक विड्थ के बाद, उतना ही आपको मेज़रमेंट यहाँ पर ले लेना है। तो 2.75 इंच आ रहा था तो मैंने यहाँ पर भी इसी तरीके से मार्क कर लिया है और इस शेप को हम इस तरीके से कर लेंगे यहाँ पर। तो ये डिज़ाइन को हम पेपर पेस्टिंग पर बनाएंगे। ये पेपर पेस्टिंग लिया है मैंने और इस पर भी नेक की विड्थ रखनी है 2.25 इंच। ये देखिए, यहाँ पर 2.25 इंच मैंने नेक की विड्थ रखी है, 9.5 इंच नेक की लेंथ ली है और विड्थ 2.25 इंच ली है। इस तरीके से हमें एक बॉक्स तैयार कर लेना है यहाँ पर, ये देखिए। और अब हम यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग करेंगे। तो पेपर पेस्टिंग लगाने से हमारे नेक में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। और इस तरीके से हमने नेक की मार्किंग कर लेना है, साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्क करना है। नेक की ड्राफ्टिंग हमने कर ली है और कटिंग से पहले आप यहाँ पर पिन ज़रूर लगा लें। ऊपर से 1/2 इंच आपको छोड़ देना है गले का मेज़रमेंट और इसे कट कर लेना है। तो इस तरीके से आप इसे कट करें। साइड से जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है उसे छोड़ते हुए आपको इस तरीके से इसे कट कर लेना है। और नेक को आपको अस्तर वाला जो फैब्रिक होता है उसके ऊपर रखकर आप चाहें तो इसे प्रेस से चिपका भी सकते हैं या फिर आप इसे सिलाई लगाकर अटैच कर सकते हैं। तो हमारी कटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। ये पेपर पेस्टिंग और ये जो कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक मैंने लिया है उसे अभी हम साइड में रख देते हैं। पहले हम इतना पैटर्न तैयार कर लेंगे, उसके बाद फिर हम इसकी ईजी तरीके से कटिंग करेंगे। इसके बाद अस्तर वाले कपड़े के ऊपर आपको नेक को अच्छे से पिन लगाकर अटैच कर लेना है और फिर आप इस पर एक सिलाई लगा लें कॉर्नर की और इसे अटैच कर लें। सिलाई लगाने से भी अच्छे से अटैच हो जाता है यहाँ पर। और एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने यहाँ पर कट कर लिया है इस तरीके से, कट लगा लेने हैं ताकि अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाए। अब आपको इसे फोल्ड कर लेना है। ये देखिएगा, यहाँ पर इस तरीके से आप इसे फोल्ड कर लीजिए। मैंने इसे फोल्ड कर लिया है, इसके बाद हम इसका सेंटर मार्क कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको इसे डबल फोल्ड कर लेना है नेक को और यहाँ पर अच्छे से आप क्रीज बना लें और सेंटर में एक मार्किंग कर लें इस तरीके से। इस मार्किंग को आपको ऊपर की तरफ सीधा कर लेना है इस तरीके से। अब हमें मेन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को अच्छे से सिलाई लगा कर यहाँ पर जॉइंट कर लेना है। तो जब आप ये सिलाई लगाते हैं तो हाथ से आप फिनिशिंग करते जाएं ताकि अंदर की तरफ कोई भी सल या क्रीज बिल्कुल भी ना आए।
और यहाँ पर इसे फिनिशिंग के साथ आप अटैच कर लें। इसके बाद इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो आप कट करके निकाल दीजिएगा, ये देखिए। और इसके बाद आपको इसे डबल फोल्ड कर लेना है, यहाँ पर सेंटर मार्क कर लेना है ऊपर और नीचे की तरफ, और चौक से यहाँ पर आप सीधा सीधा मार्किंग कर लें इस तरीके से। ये देखिए, ये जो क्रीज बनी हुई है यहाँ पर हम सीधा सीधा मार्क कर लेंगे। और अब हम इस पर नेक को अटैच करेंगे, तो हमारा जो यहाँ पर ब्लाउज़ का मार्किंग है और नेक का मार्किंग है वो दोनों मार्किंग मिलाते हुए आप सीधी सिलाई यहाँ पर लगा लें इस तरीके से। और अब आपको नेक के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलाई लगानी है, पेपर पेस्टिंग जो है उससे बिल्कुल चिपकाते हुए आप सिलाई लगाइएगा इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। और इसके बाद आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। यहाँ पर आप एक पेयर का मार्जिन जितना ही फैब्रिक रखें, बाकी सारा फैब्रिक आपको कट करके निकाल देना है। इसके बाद आपको पूरे ही नेक पे छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं यहाँ पर इस तरीके से। कट लगाने से हमारा जो नेक है वो बहुत ही अच्छी तरीके से फिनिशिंग के साथ यहाँ पर पलट जाता है। ये देखिए, अब आप इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लें और ऊपर फिनिशिंग की सिलाई आपको लगा लेनी है। ये देखिए इस तरीके से ऊपर फिनिशिंग की सिलाई हम यहाँ पर लगा लेंगे नेक पर। नेक पे सिलाई मैंने लगा ली है और अब इस पैटर्न को हम हमारा जो फैब्रिक है गोल्डन वाला उस पर तैयार करेंगे। तो हमें ऊपर की तरफ डिज़ाइन देनी है, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा बड़ा वाला पेपर पेस्टिंग लिया है और ये डबल फोल्ड पे है, तो आपको भी ऐसा ही डबल फोल्ड में ही पेपर पेस्टिंग लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक को शोल्डर के यहाँ से अच्छे से रख लेना है। तो हमारा ये जो आर्म होल्स वाला पार्ट है वो बिल्कुल नीचे तक अच्छे से कवर हो जाए, इसका आप ध्यान रखिएगा। और नेक के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप सिलाई लगा यहाँ पर मार्किंग कर लें। ये देखिए, पहले आपको गले की तरफ से मार्क करना है, फिर आर्म होल्स तरफ से मार्किंग करनी है इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ पर इस तरीके से आप मार्किंग कर लें। और अब हम पिन लगाकर यहाँ पर इसको सीधा कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर आप नेक का ज़रूर ध्यान रखिए, जितना आपको शोल्डर ऊपर आ रहा है उतना ही आप यहाँ पर ले लीजिए और हल्के हल्के हाथों से शेप को मिला दीजिए इस तरीके से। ये देखिए, और जो पार्ट हमारा ऊपर की तरफ आएगा उस पर भी आप मार्किंग कर लें, क्योंकि दोनों तरफ से एक जैसा ही दिखता है। तो आर्म होल्स तरफ वाला और ऊपर वाला पार्ट आप यहाँ पर मार्किंग कर सकते हैं इस तरीके से। और अब हमें इसे मेन फैब्रिक पर रखकर कटिंग कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पर भी मैंने मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखा है और अच्छे से आप इसे इस पर पिन लगाकर अटैच कर लें। पिन लगाकर आप कटिंग करेंगे तो बिल्कुल आपका कपड़ा बिल्कुल बराबर रहेगा, कहीं से बड़ा या छोटा कट नहीं होगा। इसके मैचिंग में ही मैंने अस्तर ले लिया है, अगर आपके पास नहीं होता है तो आप ब्लाउज़ वाला अस्तर ही यूज़ कर सकते हैं। और पेपर पेस्टिंग को इसके साथ आपको सिलाई लगाकर अटैच कर लेना है या फिर आप इसे प्रेस से चिपका लीजिएगा। ये देखिए, और अब हम यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेंगे। सिलाई लगाकर अटैच करने के बाद हम इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल देंगे। ये देखिए, दोनों पार्ट मैंने इसी तरीके से रेडी कर लिए हैं और अब हम इसे अस्तर वाले पार्ट के साथ अटैच कर लेंगे इस तरीके से। आप चाहें तो इसे सिलाई लगाकर पलट सकते हैं, पर मैं इसमें पाइपिंग लगाऊंगी तो मैंने इसे इसी तरीके से सिलाई लगा ली है। अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लें और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लें। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है मैंने, दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं। ये मैंने ब्लाउज़ के कलर में ही कपड़ा लिया है और इस पट्टी को मैंने तिरछा कट किया था, इसे मैंने एक तरफ से फोल्ड कर लिया है और 1.5 इंच विड्थ में मैंने ये पट्टी ली थी। 1.25 से 1.5 इंच आपको विड्थ में ले लेनी है पट्टी। और यहाँ पर आपको इसे इस तरीके से सिलाई लगाकर अटैच करना है। तो यहाँ पर आप सिलाई जितनी गेप में लेंगी उतनी ही मोटी आपकी पाइपिंग निकलेगी। ये देखिए, यहाँ पर हमने इस तरीके से सिलाई लगा ली है पाइपिंग पे। तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल कम मार्जिन लेते हुए ही सिलाई लगाई थी, तो इतनी पतली हमारी यहाँ पर पाइपिंग निकलेगी। और अब इसे आपको अंदर की तरफ फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो देखिए, यहाँ पर हमारी ये पाइपिंग बनके तैयार हो गई है। बहुत ही आसान है इसे बनाना, अगर आपको नहीं आता है तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही ईजी तरीके से ये बन जाती है। और अब हमने यहाँ पर दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं पाइपिंग लगा कर। अब हम इसे यहाँ पर रख कर अच्छे से पहले सेट करेंगे पिन लगा कर,
उसके बाद ही हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ से बराबर करें और पिन लगाएं और उसके बाद ही सिलाई लगाकर आप इसे अटैच कीजिएगा। ये देखिए मैंने दोनों तरफ अच्छे से पिन लगा ली है और यहाँ पर पहले हम पाइपिंग वाले पार्ट पे सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। ये देखिए हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है और दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे इसी तरीके से और साइड से भी सिलाई लगाकर हम इसे अटैच कर लेंगे। इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा वो आप कट कर लीजिएगा। और यहाँ पर गोल्डन कलर और मैन फैब्रिक पर मैंने पीसेस लिए हैं, ट्रायंगल बनाएंगे और इस डिज़ाइन को हम नीचे की तरफ लगा लेंगे तो हमारा ये नीचे की तरफ भी डिज़ाइन आ जाएगा। ये देखिए इसी तरीके से आपको बाकी भी रेडी कर लेने हैं। इसे आप एक के ऊपर एक रख कर यहाँ पर सेट कर लें और सिलाई लगा लें। ये देखिए हमने यहाँ पर सेंटर मार्क कर लेना है इस तरीके से और सेंटर में एक लाइन बना लें और हमने जो ये जो ट्रायंगल तैयार किए हैं वो आप इस तरीके से यहाँ पर रख लें और इसे सिलाई लगाकर अटैच कर लें। आप चाहें तो ये जो नेक बनाया हमने राउंड में आप वहाँ पर भी ट्रायंगल लगा सकते हैं या फिर इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे अटैच कर लिया है और सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर भी इसे अटैच कर लेंगे। ये देखिए हम यहाँ पर भी हमने इसे अटैच कर लिया है दोनों तरफ और इसके बीच में फिनिशिंग देने के लिए मैं गोल्डन कलर की सिंपल लेस का यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस पर लेस लगाकर इसे कवर कर देंगे और ये जो बीच में जॉइंट है वो ना दिखे, इस तरीके से हमें लेस को लगाना है। एक लेयर लगाया है मैंने, एक लेयर हम और लगा लेंगे इसी तरीके से। ये देखिए और इसके बीच में आप कोई भी स्टोन या बटन आप लगा सकते हैं तो जिससे इसका लुक और भी अच्छा लगेगा। और यहाँ पर हम प्लेट्स डाल लेंगे। सेंटर से आपको इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करना है बैक पार्ट को और यहाँ पर प्लेट्स लगा लेनी है। नीचे की तरफ अब हम कमर पट्टी लगा लेंगे। प्लेट्स की जो लेंथ ली थी मैंने 4.5 इंच ली थी, कमर पट्टी की जो विड्थ है वो 1.5 इंच है और इस तरीके से हमें कमर पट्टी भी लगा लेनी है। ये देखिएगा यहाँ पर हमने कमर पट्टी को फोल्ड कर लेना है और इसी के साथ ये नेक डिज़ाइन हमारा बनके रेडी हो गया है। फ्रेंड्स आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।